Good morning, students. Today we are going to read the chapter, The Markhor. Markhor is a wild goat. The Markhor is Capra falcorni, is one of the largest and the most distinctive member of the caprine and goat family. Markhor jo hai ek goat family ki prajati se hai. वो गोट की तरह ही दिखने वाली एक मार्कर प्रजाति है जो बहुत ही लार्जेस्ट ज़्यादा और डिस्टिंक्टिव अलग दिखती है, थोड़ी प्रमुख है, डिफरेंट है, ठीक है. शियान्स फादर वॉज प्रमोटेड एंड ट्रांसफर टू ले एज हेड मास्टर एंड पोस्टेड इन द हैमे सुखपंच ऑफ कालसी जोन. श्याम अकम्पेंड हिज फादर टू स्पेंड अ कपल ऑफ मंथ्स विद हिम इन लद्दाख. शियान्स फादर जो हैं, श्यांस के फादर जो प्रमोटेड हुए थे, मींस की प्रमोशन हुई थी उनकी, और प्रमोशन होने के बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया लेह में ट्रांसफ़र कर दिया गया एज अ हेड मास्टर, और उनकी पोस्टेड मींस की उन्हें तैनात किया गया खालसी क्षेत्र के हैमिस सुखपंच इलाके में, उन्हें वहाँ पे पोस्टेड किया गया. श्यांस अकम्पेंड हिज फादर टू स्पेंड अ कपल ऑफ मंथ विद हिम इन लद्दाख. शान जो है वो अपने पिता के साथ लद्दाख में कुछ महीने बिताने के लिए आता है. ड्यूरिंग हिज स्टे वहाँ पे रहते हुए शान विजिटेड वेरियस प्लेसेस, बहुत सी जगहों पे घूमता है जाता है, सच एज द रॉयल पैलेस, जैसे बड़े बड़े महल होते हैं वहाँ पे जाता है, एंड द बुद्धिस्ट मॉनेटरीज होके टेम्पल, जो बुद्ध के टेम्पल होते हैं जो कि बाजगो में थे, वहाँ पे भी जाता है. ले एंड एल्की इन एडिशन टू जामा मस्जिद एट ले शाह ए हमदान मस्जिद एट शे एंड पेंगोंग लेक. शाह ए हमदान मस्जिद जो कि शे में थी, शे जगह का नाम है, जामा मस्जिद जो ले में है, और साथ में पेंगोंग लेक, वहाँ पे भी वो घूमने के लिए जाता है. श्यांस फादर मिस्टर लोन लिव्ड इन सोनम्स हाउस एज अ पेइंग गेस्ट. श्यांस फादर जो हैं वो सोनम के घर पर एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे होते हैं. शान अ क्लास 7 स्टूडेंट जॉइन द सेम स्कूल एंड मेड डिफरेंट विद सोनम हु हैड मेड फ्रेंड्स विद सोनम हु हैड कीन इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड एक्सप्रेस हिज कंसर्न अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज. श्यान जो कि सातवीं कक्षा का छात्र था, वो क्या करता है, उसी स्कूल में ज्वाइनिंग कर देता है, मीन्स कि उसी स्कूल में दाखिला ले लेता है जिस स्कूल में उसकी फ्रेंड सोनम पढ़ती है. हु हैड, जो सोनम है उसे बहुत ही गहरी, कीन मीन्स की गहरी, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ के बारे में, एंड एक्सप्रेस हिज कंसर्न अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीसीज, और वो एक्सप्रेस भी करती है, मीन्स कि अपना कंसर्न होता है, चिंतन व्यक्त करना कि ये जो स्पीसीज हैं, ये जो मार्कर की जो स्पीसीज हैं, ये कितनी संकट में, एंडेंजर्ड हो गया, संकट में पड़ी हुई स्पीसीज हैं. संकट में पड़ी हुई स्पीसीज वो होती हैं जो कि अब दिन ब दिन क्या होती है, ख़त्म होती जा रही हैं, मीन्स कि वो वैनिश होती जा रही हैं, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसके बारे में भी वो व्यक्त करती है, बात बताती है. Do you know anything about Markhor? Oh, no. Sonam kehti hai ki kya tum Markhor ke bare mein jante ho? Kya tum Markhor ke bare mein jante ho? Shyam kehta hai, oh no, I don't know anything about the Markhor. I heard this name for the first time. मुझे Markhor के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि मैंने इसका नाम भी first time ही सुना है, पहली बार ही सुना है. सोनम कहती है, today the teacher will tell us about this animal. आज हमें teacher जो है कक्षा में इसी के बारे में पढ़ाएगी. teacher children in class 6 के बच्चों को कहती है, you have learned about the vectrine camel. vectrine camel के बारे में हमने 6th class में पढ़ा था. कहती है कि 6th क्लास में हमने वेक्टरन कैमल के बारे में पढ़ा था. डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट, क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? और आगे से बच्चे कहते हैं कि यस सर. टीचर कहते हैं ओके. इज़ द वेक्टरन कैमल एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्या वेक्टरन कैमल एंडेंजर्ड स्पीसीज से? स्टूडेंट कहते हैं येस सर, बिकॉज इट्स नंबर इज़ डिक्लाइनिंग. एंडेंजर्ड स्पीसीज इसलिए क्योंकि संकट में पड़ी हुई स्पीसीज थी, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो वैनिश होती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैनिश होती जा रही थी, मीन्स की डिक्लाइनिंग हो रहा था, वो कम होती जा रही हैं.
इसलिए उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है. टीचर, टुडे वी शैल रीड अबाउट द मार्कर. होप यू विल इंजॉय द लेसन. आज हम मार्कर के बारे में पढ़ेंगे. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन इंजॉय करोगे. श्यान, आई एम ईगर टू नो अबाउट द मार्कर. मैं बहुत उत्सुक हूँ. ईगर मीन्स कि उत्सुक होना. मैं बहुत उत्सुक हूँ उस मार्कर के बारे में जानने के लिए. टीचर, मार्कर अ जेंट गोट दैट लिव ऑन माउंटेन एट अ हाइट ऑफ 600 to 3500 meters. मार्कर एक बड़ी गोट होती, जेंट होती, बड़ी गोट होती है, बकरी, बड़ी बकरी होती है, दैट लिव, जो कि पहाड़ों पर रहती है, उन पहाड़ों पर जिनकी हाइट, पहाड़ों की हाइट 600 to 3500 meters तक होती है, जहाँ जिसे हम 1900 to 11,000 feet भी कह सकते हैं, इतने फीट में होती है. दीज आर फाउंड इन वुडेड माउंटेन. ये वुडेड माउंटेन में पाए जाते हैं इन नॉर्थन पाकिस्तान. वुडेड माउंटेन हो गया, वुडेड माउंटेन का मतलब है जंगली पहाड़, मीन्स कि घने जंगल जैसे घना पहाड़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ और जंगली मीन्स के जानवर वगैरह भी होते हैं, ऐसे वुडेड माउंटेन उन्हें कहा जाता है. जंगली पहाड़ों में पाए जाते हैं जो कि नॉर्थन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में पाए जाते हैं. और इन इंडिया में दीज आर फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज. पीर पंजाल की जगह है, वहाँ पर पाए जाते हैं. आगे सोनम कहती है, वट इज़ पीर पंजाल. वो पूछते कि पीर पंजाल क्या है. द पीर पंजाल रेंज इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन स्ट्रेचिंग बिटवीन द हिमाचल प्रदेश. पीर पंजाल रेंज जो है एक माउंटेन का नाम है जो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और पाकिस्तान तक फैला हुआ है. स्ट्रेचिंग बिटवीन, माउंटेन स्ट्रेचिंग का मतलब होता है वो फैला हुआ है. द मार्कर इज़ मेनली एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग. मार्कर जो है ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग, जल्दी ही सुबह सुबह के बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. एंड लेट आफ्टरनून, और देर शाम तक वो चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं. मार्कर ऑफन स्टैंड ऑन देयर हिंड लेग्स इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन. मार्कर जो है ज़्यादातर अपनी हिंड लेग्स होगी पीछे वाली लेग्स पर खड़े रहते हैं इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन. जब वो कहाँ पे पहुँचे होते हैं, वहाँ पे टांगों पर खड़े हो जाते हैं, वनस्पति मीन्स कि जहाँ पे घनी वनस्पति, वेजिटेशन होगा वनस्पति मीन्स कि हाई जहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, वहाँ पे जब मार्कर ऊंची उगी हुई जो घास होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, तक पहुँच पाने के लिए प्रायः क्या करते हैं कि अपनी जो पीछे वाली लेग्स होती हैं, टांगे होती हैं, उन पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जंगलों की जो घास होती है, वनस्पति होती है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं. ओके, देन श्यान कहता है कि व्हाट डज मार्कर मीन. मार्कर का मतलब ही क्या होता है. टीचर कहता है द मार्कर, द नेम मार्कर जो है कहाँ से आया है, लिया गया है पर्सियन वर्ड, मीन्स कि कौन सी कहाँ से लिया गया है, ये फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें कि मार का मतलब होता है स्नेक एंड खौर का मतलब होता है ईटर या ईटिंग भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब है कि स्नेक ईटर. ठीक है, स्नेक ईटर. दिस इज वेरी पेक्युलर नेम. ये बहुत ही पेक्युलर नेम है. पेक्युलर हो गया कि विचित्र, अजीब सा नाम है, डिफरेंट है, विचित्र मीन्स कि अजीब सा नाम है. एज दीज गोर्स आर वेजिटेरियन. ये गोर्स ज़्यादातर क्या होती हैं, वेजिटेरियन होती हैं, मीन्स कि शाकाहारी होती हैं.